दोस्तों अभी सर जो है वो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि परफ्यूम के मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो सर शुरू में हमको क्या क्या लेना चाहिए वो बताइए। मैं पहले जो कंपाउंड आइडेंटिफाई किया है नोट्स के हिसाब से, अच्छा वो कुछ कंपाउंड्स ऐड कर रहा हूँ। अब अच्छा ये टोटल कंपाउंड स्प्रे के लिए रेडी हो चुका है। रेडी हो जाओ। सही है। अब ये इसको बोलते हैं पंप। ये है सिंपल मैनुअल सीलिंग मशीन, ये हम लोग इसको सील कर देंगे। ट्वेंटी एम एम नेक वाला मिल जाता है, 20 ml ये वाला देखिए। ऑलमोस्ट सेम ही इसका। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसमें आगे हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे आपके घर से परफ्यूम बना सकते हैं। इसके लिए आज हम पुणे में आए हैं एक परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में। इसका नाम है प्राणिश फ्रेग्रेंसेस, और इसके ओनर है मिस्टर उदय अगाशे सर और मिसेस प्राजक्ता अगाशे मैम। दोस्तों आपको सर और मैम के बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने लगभग 5 से 6 साल पहले घर से परफ्यूम के बिजनेस की शुरुआत की थी। थे दोनों प्रोफेसर थे कॉलेज में, पर नौकरी को छोड़ के इन्होंने परफ्यूम के बिजनेस को शुरू किया, और आज सफलतापूर्वक ये परफ्यूम का बिजनेस कर रहे हैं। तो सर और मैम आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे इस वीडियो में। तो सर हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे आपके इस बिजनेस के बारे में, चलेगा ना सर? यस सर, पक्का पक्का। सर लगभग कब से आपने इसकी शुरुआत की थी? ये परफ्यूम रिलेटेड जो है उसका हॉबी मुझे बचपन से था। अच्छा मेरे जो पिताजी है उनको अत्तरों का बहुत शौक है, तो अच्छा धीरे धीरे जैसे जैसे स्कूल कॉलेजेस में आगे बढ़ते रहे तो हम्म। फैंसी अत्तर, ट्रेडिशनल अत्तर्स, अरेबिक अत्तर्स का मेरा भी हॉबी बढ़ता चला गया, अच्छा और फिर उससे मैंने परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का धीरे धीरे स्टार्ट किया। अच्छा और हमारा खुद का कुछ सालों पहले हमने खुद का एक ब्रांड शुरू किया प्राणिश करके, वो अच्छा प्राणिश ब्रांड के अंतर्गत फिर हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और पूना ऑल ओवर इंडिया मटेरियल सप्लाई करते हैं। सप्लाई करते। तो बहुत छोटे से जीरो इन्वेस्टमेंट से हमने बिजनेस चालू किया था। मैंने जब शुरू किया बिजनेस तो मेरे घर का ही जो बेडरूम था अच्छा वही हमने लैब बनाया था, अच्छा वहीं पे मैं कंपाउंड मिक्सिंग एंड मैचिंग करके अलग अलग क्लोन्स डेवलप करता था, अलग अलग नए नए अत्तर्स बनाता था, और अच्छा वो घर में ही सबसे पहला जो परफ्यूम बनाया था वो घर में ही बनाया था। जब धीरे धीरे मार्केट में सेटल हुआ, दुकानदार बढ़ने लगे, हमारे कस्टमर बढ़ने लगे, फिर हमने अलग फ्लैट लिया। वो अलग फ्लैट में फिर हमने एक ऑफिस रूम, कोई आने वाले लोगों को सैंपल दिखाने के लिए एक लैब, और एक हॉल में सब डिस्प्ले, ये ऐसा यूनिट से हमने सब शुरू किया। पूना में 300 से ज़्यादा दुकानदार ये परफ्यूम बेचते हैं, रिटेल काउंटर्स। हमने डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं किए हैं, अच्छा हम लोग डायरेक्ट काउंटर सेल करते काउंटर हैं, सेल करते और हैं। पूना में बहुत अच्छा इसका मार्केट सेट हो चुका है। तो सर जैसा आपने बताया कि आपको अच्छी नौकरी थी, आप दोनों अच्छे जॉब करते थे, तो आपने जब बिजनेस की शुरुआत की तो आपको घर से आपके माँ बाप पिताजी और उनसे कुछ मतलब कि मत करो, या फिर ऐसा आपको कुछ शुरू में तकलीफ हुई थी? शुरू में मेरी मम्मी बहुत डरती थी कि इतना खाचा सेटल जॉब है। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ सालों तक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी था, मेरी मिसेज भी एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थी, हम दोनों का भी नौकरी बोल के जो लाइफ है वो सेटल था। सही है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये मेरे दिमाग में कब से चल रहा था, जब मैं इंजीनियरिंग में था तब से, कि कुछ ना कुछ बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए, कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए। तो पहले मेरी मम्मी डरती थी, वो बोलती थी कि अरे ये इतना अच्छा सब जॉब छोड़ के तू ये सब करेगा तो कैसे होगा वगैरह। पिताजी सपोर्ट करते थे कि नहीं तू कर, हिम्मत हो जाएगा वगैरह। जब से कोरोना काल ख़त्म हुआ तो हमारा सडनली अच्छा ग्रोथ शुरू हुआ, और अभी सही बहुत अच्छे कंडीशन में है। अब वाह हमें नौकरी छोड़ने का रिग्रेट नहीं है। सही है। एक्चुअल में परफ्यूम जो बनता है इसमें क्या क्या मटेरियल मतलब क्या क्या रहता है उसमें? परफ्यूम का जो सबसे बड़ा हार्ट होता है वो होता है फ्रैग्रेंस, अच्छा जिसे हमारे लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। वो कंपाउंड सबसे मेन होता है। तो एक परफ्यूम बनने के लिए कम से कम 12 से 15 केमिकल इसमें अलग अलग यूज़ होते हैं, और वो केमिकल्स को फिर एक सॉल्वेंट चाहिए होता है, अच्छा कि जैसे वो स्प्रेड होता है तो हवा में अच्छा खासा स्प्रेड होना चाहिए। इसके अलावा उसे उसे जो लगता है वो कॉस्मेटिक
कुछ रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि ये खाली बॉटल्स लगती है, इसको पंप्स लगते हैं, कैप्स लगते हैं और पैकेजिंग बॉक्स लगते हैं लाइक दिस। अच्छा, तो ये सब कॉम्बिनेशन बना के, ये सब कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा खासा परफ्यूम तैयार होता है ये। सर, अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग करना है परफ्यूम का, तो इसमें लाइसेंस क्या क्या लगते हैं? परफ्यूम आप अगर आपको एक्सटर्नल यूज़ के लिए बनाना है तो आप शॉप एक्ट पे काम कर सकते हैं, और बड़े लेवल पे अगर करने का है आपको लाइक 1000 2000 बॉटल्स पर डे, तो उसको फैक्ट्री एक्ट के सब रूल आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी को ये बिज़नेस शुरू करना है तो कितना पैसा होना चाहिए कम से कम, शुरू में इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपके पास अगर 5-10 हज़ार रुपये भी है तो आप अच्छा खासा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं है। सही है। सेकंड थिंग, आपको अगर स्पेशलाइज बॉटल्स, स्पेशलाइज फ्रेगरेंसेस और कुछ ज़्यादा बड़े क्वांटिटी करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट है भी नहीं, तो भी हमारे पास आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप आपके बजट के हिसाब से हमसे परफ्यूम बनवा के आगे बेच सकते हैं। बेच सकते हैं। तो सर, जैसा आपने बताया कि 50 रुपये का भी परफ्यूम आपके पास है और 1000 रुपये का भी है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, जैसा जितना अच्छा पैसा उतना अच्छा क्वालिटी। अच्छा, ये एक थंब रूल है। अच्छा, 50 रुपये में भी परफ्यूम बनता है, स्मेल तो आएगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 2 दिन तक कपड़ों पे रहना चाहिए, तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा। अच्छा, तो 50 रुपये के लिए बॉटलिंग और फॉर्मुलेशन वो उसी के हिसाब से होगा। 500 रुपये का फॉर्मुलेशन, बॉटलिंग, पैकेजिंग उसके हिसाब से होगा, 1000 रुपये का उसके हिसाब से होगा। और सर, मार्केटिंग करने का क्या तरीका है इसमें? जैसे अगर कोई शुरू करता है तो कहाँ पे मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे बिकते हैं परफ्यूम्स? परफ्यूम आप अगर कोई भी एक रोड से जाएंगे, कोई भी सिटी में एक रोड से जाएंगे, तो आपको कम से कम 20 दुकानें मिलेंगी। उसमें से 4-5 तो मेडिकल शॉप रहेंगे, 4-5 वैरायटी स्टोर रहेंगे, 2-4 जनरल स्टोर रहेंगे, 1-2 किराना स्टोर रहेंगे। अच्छा, ये सब स्टोर्स परफ्यूम रखते हैं। सही। तो कोई भी एक रोड भी आपने दिन भर पकड़ा तो आप कम से कम 20 विजिट आपके हो सकते हैं, और 10% भी आपका कन्वर्शन रेशो, आपके विदाउट मार्केटिंग स्किल का 10% भी कन्वर्शन रेशो पकड़ा, तो भी हर दिन आपको 2 दुकानदार कम से कम मिल सकते हैं जो आपके परफ्यूम लेंगे। बराबर। यही फिलोसॉफी लेकर मैंने खुद 300 से ज़्यादा काउंटर पुणे में डेवलप किए हुए हैं। बराबर। फिर भी सर, आज के तारीख में जैसे अगर कोई ये बिज़नेस शुरू करता है या फिर करना चाहता है, तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, या फिर कौन सी चुनौती आ सकती है नए बिजनेसमैन को? सबसे बड़ा चैलेंज तो पैकेजिंग का है। अच्छा, इसमें पैकेजिंग पे जैसे मैंने पहले बताया कि 50% लोग है कि जो ओनली पैकेजिंग पे परचेसिंग करते हैं। अच्छा, और 50% लोग है जो फ्रैग्रेंस पे परचेस करते हैं। तो फ्रैग्रेंस पे परचेस करने वाले कस्टमर आपके लिए अच्छे वो ले लेते हैं, कोई भी पैकेजिंग हो या ना हो, लेकिन जो पैकेजिंग देखने वाले लोग हैं उनको कई बार फिर आपको कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं, हमारी क्वालिटी देखो, फिर जाकर प्रोडक्ट लेते हैं। तो पैकेजिंग अगर आपने सोचा वो 50% लोगों के लिए, तो इसमें फिर अलग से इन्वेस्टमेंट है, वो एक चैलेंज है। वो फिर आपका इन्वेंट्री भी बढ़ाता है और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाता है। मतलब इसमें ज़्यादातर लोग जो है ये बोतल कैसी है या फिर बॉक्स कैसा है ये देख के खरीदते हैं। करेक्ट। उनको समझ ही नहीं है कि परफ्यूम। परफ्यूम उनको पता नहीं, जो कुछ है मुझे किसी को गिफ्ट देना है, अच्छे से अच्छी बोतल दो, अच्छे से अच्छे बॉक्स दो। अच्छा, वो कुछ कैटेगरी है, कैटेगरी 50% वो कैटेगरी, 50% वो कैटेगरी। और अभी सर, अभी इतना मुझे भी इतना इसके बारे में पता नहीं है, तो इसकी क्या सर एक्सपायरी डेट वगैरह भी होती है? एक परफ्यूम ग्लास बोतल में बन के पैकिंग होने के बाद वो कम से कम 3 साल तक तो उसका फ्रेगरेंस को कुछ इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, उल्टा मेरा एक्सपीरियंस है कि जो वो जितना पुराना होते जाता है उतना उसका केमिकल्स का सैचुरेशन और अच्छा होते जाता है। अच्छा, तो उसका लास्टिंग क्वालिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाता है। तो इसमें जैसे आपने बताया 50 रुपये का भी बनता है, 1000 रुपये का भी बनता है, तो इसमें लगभग सर प्रॉफिट कितना मिलता है इस बिज़नेस में? अगर आप खुद बना के बेच रहे हैं तो इसमें 50-60% प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, आप अगर व्हाइट लेबलिंग करके बेच रहे हैं तो इससे ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है। अच्छा, व्हाइट लेबलिंग मतलब आपके नाम से किसी से हम लोगों जैसे से बना के लेने का छोटा मोटा क्वांटिटी और वो आगे बेचा, तो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। कोई एग्जांपल रहेगा तो बताइए ना सर, जैसे किसी को आपने दिया था उन्होंने कितने में बेचा?
अब जिनके लिए हम लोग बनाते हैं उनका डायरेक्टली हाँ, नाम मत लीजिए ले सकते हैं, लेकिन एक कंपनी के लिए हम लोग अभी रिसेंटली 200 पीसेस कस्टमाइज परफ्यूम बना के दिए उनके लेवल से। कितना हमने उनको 50 ml का कस्टमाइज बॉटल विद बॉक्स पैकिंग उनको हमने बना के दिया था 250 रुपए में। अच्छा, और हम लोगों ने उनको डिलीवरी देने के पहले, वो ऑनलाइन बेच रहे हैं, अच्छा, हम लोगों ने उनको डिलीवरी देने के पहले उनको उनके 50 से ज़्यादा पीसेस बुक हो चुके थे। अच्छा। 699 प्राइस से। 699। अच्छा, मतलब हमने दिया है 250 में बना के और वो बेच रहे 699। मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, यू कैन इमेजिन। सही है भी दोस्तों, अभी सर जो है वो आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि परफ्यूम के मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। अभी सर ने मुझे बताया था कि वो सीके का सर क्लोन बनाते हैं, तो सीके का क्लोन सर आप बना सकते हैं। बिल्कुल है, बना सकते हैं। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए, मैं भी चेक करके देखता हूँ कि कितनी सिमिलरिटी है उसमें। तो सर शुरू में हमको क्या क्या लेना चाहिए वो बताइए। मैं पहले जो कंपाउंड आइडेंटिफाई किया है नोट्स के हिसाब से, अच्छा, वो कुछ कंपाउंड्स ऐड कर रहा हूँ। सीके वन के नोट्स मुझे पता है, उसके हिसाब से कुछ केमिकल जो है वो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, मिक्सिंग कर रहा हूँ अलग अलग फॉर्मूला के हिसाब से। अच्छा। अभी सर आप ये सबसे पहले आपने स्टील के इसमें से बोतल से निकाला वो क्या था? ये कंपाउंड है। कंपाउंड है मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड सीके बोल सकते हैं क्या उसको? हाँ, वो सीके में अलग अलग नोट्स के हिसाब से 3-4 कंपाउंड मिक्स करना पड़ता है। तो इसमें से 2-3 कंपाउंड में अभी जो मेरे पास रेडी है नोट्स के हिसाब से, वो मिक्स करके सीके वन का क्लोन बना रहा हूँ। तो ये कंपाउंड्स मैंने ले लिए। तो ये अलग अलग कंपाउंड्स मिक्स करके यस, अब इसमें हमको लास्टिंग बढ़ाने के लिए, स्प्रेडिंग बढ़ाने के लिए भी कुछ केमिकल्स यूज़ करने हैं। लास्ट में एक सॉल्वेंट है हमारे पास, जो और बाकी सारे जो केमिकल यूज़ होने वाले हैं वो ऑलरेडी प्री मिक्स्ड सॉल्वेंट हमने बना के रखा है, वो हम लोग फिर उसमें फाइनली ऐड करेंगे। ये सब का थोड़ा फॉर्मूलेशन होता है और ये अलग अलग फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग अलग अलग केमिकल यूज़ करते हैं। हर फ्रेग्रेंस के बेस नोट के हिसाब से अलग अलग केमिकल थोड़े से यूज़ करने पड़ते हैं अलग अलग। अच्छा। वो सब कॉमन मिक्स करके एक नोट फाइनल वो हम लोग जो चाहिए वो बनाएंगे। और सर आपको ये क्वांटिटी का वगैरह नॉलेज कैसे आया, मतलब ये आपको? ये बाय एक्सपीरियंस आया है थोड़ा बहुत। कुछ भी नोट्स अगर मैच करने के हैं तो इमीडिएटली फर्स्ट स्ट्रोक में नहीं होता है। अच्छा। कोई भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो धीरे धीरे फिर आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से उसके फॉर्मूलेशन और उसके इन्ग्रीडियंट के परसेंटेज पता चलते हैं। अच्छा। उसके हिसाब से आप वो नोट्स मैच कर सकते हैं। अभी आपने ये ऐड कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, हाँ, ये प्रीमिक्स सॉल्वेंट है। अच्छा। अब ये टोटल कंपाउंड स्प्रे के लिए रेडी हो चुका है। रेडी हो चुका है सीके वन का। सही है। अब ये इसको बोलते हैं पम्प। अच्छा। ये पम्प जो है उसका हमें एडजस्टमेंट करना होता है। अच्छा। तो एज पर लेंथ रिक्वायर्ड इसको कट भी करना पड़ता है। हाँ, कट भी करना पड़ सकता है। कट करना पड़ सकता है। ये है सिंपल मैनुअल सीलिंग मशीन, ये हम लोग इसको सील कर देंगे। ये अच्छा, तो ये इससे वो सील हो जाता है। यस। इसका लगभग कॉस्ट कितना आता है सीलिंग मशीन का? ये 6-7 हज़ार तक 20 mm नेक वाला मिल जाता है। 20 ml, ऑलमोस्ट सेम ही इसका आ रहा है। 30 ml, 50 ml और 100 ml, ऐसे 3 वैरायटीज़ होती है। अच्छा। ये 30 ml में भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ है, जैसे ये टाइप हो गया बोतल का, ये हो गया, ये तरीके के पैकिंग भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ये 100 ml बोतल। 100 ml। सर आपने जब परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस शुरू किया था तो शुरू में आपका लगभग कितना टर्नओवर हो रहा था, शुरू के 5-6 महीने में या एक साल में? इनिशियली जब बिज़नेस शुरू किया तो मेरा टर्नओवर मंथली 5,000-10,000 इनकम होता था। इनकम होता इनकम था। अच्छा। सेल 20-30 हज़ार तक का सेल होता था शुरू में। यूजुअली जब हम लोग बिज़नेस शुरू करते तो हमें लगता है कि ये महीने में बिज़नेस शुरू किया, ये महीने में मुझे 1,00,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको पेशेंस रखकर वो प्रोडक्ट आपको लॉन्च करते रहना पड़ता है। 10 लोगों को, 100 लोगों को, 1,000 लोगों को दिखाते रहना पड़ता है, तब जाके 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपको
एक्सपेक्टेड ग्रोथ मिलता है। तो उस टाइम हमारा 30-40 हज़ार का बिजनेस होता था, आज हमारा 3-4 लाख का होता है पर मंथ। पर मंथ हाँ, अच्छा। तो इसमें ऑलमोस्ट 50% नेट प्रॉफिट आप कंसिडर कर सकते हैं सब खर्चा जाके। बराबर। और आपने जब शुरू किया था तो आपके पास कितने फ्रेगरेंसेस की वैरायटी थी शुरू में? शुरू जब मैंने किया था मेरे पास 6 फ्रेगरेंसेस थे और 6 प्रोडक्ट्स से मैंने शुरू किया था। अब मेरे पास 400 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और जो हम लोग कमर्शियल दुकानदारों को बेचते हैं ऐसे प्रोडक्ट 60 से ज़्यादा हैं। सिक्सटी। और आप जो दुकानदारों के ऑर्डर मिलती थी तो उनको आप लगभग कितना माल बेचने के एक दुकान को? एक दुकान को हमने आउटर सिस्टम बनाया है, कम से कम एक आउटर तो लेना पड़ता है दुकानदारों को। अच्छा, मतलब मिनिमम 900 रुपये का कम से कम एक आउटर होता है। एक आउटर 900 रुपये का होता है। हाँ। और एक आउटर में कितने बॉटल्स आते हैं? एक डजन का एक आउटर है, उसमें 12 पीस रहते हैं। यूजुअली हमारे जो कस्टमर है वो दो तरीके के दो आउटर तो यूजुअली लेते हैं। बराबर। तो इसमें डिलीवरी वगैरह जो है वो आप देते वो हम लोग उनके दुकान पे डिलीवरी देते हैं जो लोकल पुणे में है। लोकल पुणे में डिलीवरी फ्री देते हैं। आउट ऑफ पुणे जो है उसका मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो लगता है वो लेकर देते हैं। बहुत सारे लोगों का ट्रांसपोर्ट टाइप ही होता है। तो सर, ये जो आपने बनाया ये अभी पूरा परफ्यूम बन चुका है? ये पूरा परफ्यूम बन चुका है, ये अभी बनाया है। तो इसको केमिकल कंपोजिशन सेट होने के लिए कम से कम 24 to 48 hours आपको रखना है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी रखा तो भी चलेगा, उसके बाद में इसे यूज़ करो, आपको सिकेवन ओरिजिनल जैसा ही इफेक्ट मिलेगा। सही। तो दोस्तों, इस तरह से परफ्यूम का बिजनेस होता है, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है। और अगर आपको फ्रेगरेंसेस के बारे में पता नहीं है और आप परफ्यूम का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सर से भी माल मंगा के आपके यहाँ बेच सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच लोगों को इतना डिटेल में बताने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।